A sum of money becomes 64 times in 27 years. In how many times it will become 512 times of itself? Compound interest का क्या formula होता है? वो होता है कि amount ये होता है principal into 1 plus r by 100 and 2 to the power t. Don't worry, बहुत ज़्यादा मैं इसका use नहीं करने वाला. First case में आपको क्या given था? Case 1 में कि प्रिंसिपल कितना हो गया है, 64 टाइम्स हो गया अपने प्रिंसिपल का, कितने इयर्स में, 27 इयर्स में. तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मान लो प्रिंसिपल पी था तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 64 पी. इसको आप लिख सकते हो पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 एंड टू दी पावर, टाइम कितना लिखोगे, 27. तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 27 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 64. इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू दी पावर लिखोगे 64 टू दी पावर 1 अपॉन 27. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो. पहले आप समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसका शॉर्टकट यूज कैसे करते हैं. सेकंड केस में सेम आप इसको यूज करोगे तो क्या लिखोगे, कह रहा है 512 टाइम्स हो गया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 512 ये P लिख लो इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू द पावर, इस बार T लिखो आप, जबकि T आपको पता नहीं है, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये मिलेगा आपको 512 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 एंड टू द पावर क्या है बच्चों, T. आपने 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू क्या निकाला है, 64 टू द पावर 1 बाई 27. तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, 512 ये हो जाएगा 64 टू दी पावर टी बाई 27. देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, तो आप 2 के टर्म्स में ब्रेक कर दो. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये है 256 इंटू 2 और 256 क्या है, 16 का स्क्वायर. तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2. 64 क्या है, ये है 2 टू द पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर एंड टी बाई 27. हमारा कैलकुलेशन, मैं हमेशा वीडियो में मेंशन करता हूँ कि कैलकुलेशन आपका सटीक होना चाहिए. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 9 और राइट हैंड साइड में क्या है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 एंड टू द पावर टी बाई 27. ये नथिंग बट 2 टू द पावर 60 बाई 27 है. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस इक्वल है तो इसका पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सिंपली ये हो जाएगा बच्चों 60 अपॉन 27 इज इक्वल टू क्या है, 9. तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना मिलेगा, वो मिल जाएगा 27 इंटू 9 अपॉन 6. तो 3 से ये 2, 3 से ये 3, तो ये आएगा आपका 81 अपॉन 2, दैट इम्प्लाई 40.5 ईयर्स. ये क्लियर है. देखो क्वेश्चन में शॉर्टकट कब यूज कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे मान लो आपको गिवन है कि ये हो गया है 4 टाइम्स, लेट्स से 11 ईयर्स में 4 टाइम्स हो गया है, ये क्लियर है. तो आपसे पूछ रहा है कि ये 64 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा, ये क्लियर है. तो अगर आपको इस तरह का कंडीशन हो, जो शुरू का मल्टीपल है और जो फाइनल मल्टीपल चाहिए वो एक्सपोनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए, जैसे यहाँ पे अगर हम 4 टू द पावर क्यूब करेंगे तो हमको 64 मिलेगा. तो सिंपली ये जो आपने क्यूब किया ना उसको टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू 3 दैट इम्प्लाई 33 ईयर्स में, ये क्लियर है. लेकिन यहाँ पे हमने क्यूब यूज नहीं किया है, वो इसीलिए कि यहाँ पे था 64 टाइम्स और 64 का कोई भी पावर करोगे तो 512 नहीं आएगा, इसलिए ये यूजफुल नहीं है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.